टोंक में कोरोना संक्रमण का गढ़ बन चुके बमोर गेट क्षेत्र में अब भी संक्रमितों का मिलना जारी है। अब तक इलाके में 90 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इस क्षेत्र को भीलवाड़ा के एसडीआरएफ के 80 जवानों ने संभाल रखा है, जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स के रूप में मोर्चा संभाले हुए हैं। इलाके में किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी है। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर नरेश चौहान ने बताया कि क्षेत्र की निगरानी के साथ ही जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। टोंक में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। बमोर गेट क्षेत्र इस समय टोंक शहर का हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार मिल रहे हैं। इसके बाद से ही प्रशासन ने इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर दिया था और यहां 80 जवान एसडीआरएफ के भी लगाए गए हैं। यहां डोर टू डोर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से। इसी तरीके से एक अनूठी पहल भी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस द्वारा हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें से 4-5 लोगों के सदस्य बनाए गए। इन लोगों का कार्य ये रहेगा कि लोग कर्फ्यू की लोगों को पालना कराएं, मोहल्ले में एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दें, और जो भी समस्या है मोहल्ले की वो मिल बांट के ये जिला प्रशासन को बताकर ये सुलझा लें। इसी तरीके से हमारे साथ भीलवाड़ा के 80 जवान लगे हुए हैं इस क्षेत्र में एसडीआरएफ के। हम चाहेंगे कि उनसे बात किए। हमारे साथ हैं इस समय एसडीआरएफ के एक जवान। जी, नाम बताइए। नरेश चौहान, सब इंस्पेक्टर एसडीआरएफ राजस्थान। अभी तक जहाँ तक था, हमने इसको जगह जगह बैरिकेडिंग किया है, जीरो मोबिलिटी यहाँ पर हमने कर रखी है। जो भी अंदर आता है, हमने यहाँ पर एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया है कि यहाँ पर बाहर हमने एक टब लगा दिया है, जिसमें हमने हाइपो भर दिया है। जो भी बंदा यहाँ से आएगा, अंदर आएगा और बाहर जाएगा, वो हाइपो में पाँव रख के जाएगा, ताकि इससे बाहर के से अगर कोई संक्रमण हो या अंदर से कोई संक्रमण बाहर जाए तो उसको रोका जा सके। दूसरा, हमने डोर टू डोर सप्लाई किया है। यहाँ पर जब गाड़ी जाती है तो डोर पर अपने गेट पर लोग खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर जो गाड़ी वाला बंदा है वो जाकर उनके डोर पर सप्लाई करता है। किसी भी चीज़ को छूने की नहीं, उनको इजाज़त नहीं है। ये थे हमारे साथ एसडीआरएफ के जवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरी तरीके से ये क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इनकी ये पूरी तरीके से एसडीआरएफ के जवान इस स्थिति को संभाले हुए हैं। इस क्षेत्र में किसी का भी आना जाना बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। टोंक से फिरोज़।